रतिया के जीएन इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिक समारोह में हरियाणा के राज्य मंत्री किशन बेदी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उनके साथ थानेसर विधायक सुभाष सुधा व जिला अध्यक्ष वेद फुला भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करने के बाद राज्य मंत्री मीडिया से मुखातिब हुए और विपक्षी पार्टी को आड़े हाथ लिया। मीडिया से बात करते हुए राज्य मंत्री ने जहां कांग्रेस को झूठ का पुलिंदा बताया तो वहीं इनेलो बसपा गठबंधन को महाठगबंधन कहा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए किशन बेदी ने कहा कि कांग्रेस के पास ना तो कोई मुद्दा है और ना ही कोई वजूद। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में कांग्रेसी विधायक अपने आप को सीएम पद का दावेदार बता रहे हैं। बेदी ने मीडिया के पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि बीजेपी हरियाणा में आगामी लोकसभा में 10 की 10 सीट जीतेगी और विधानसभा की 90 में से 90 सीटें जीतेगी। संसद का ढांचा है, हम उसको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं और जो व्यापक योजना 2019 मिशन की केंद्र नेतृत्व ने बनाई है, मैं आज ये बात करने के लिए सक्षम हूँ। कहते हुए फख्र होता है कि हरियाणा का शेयर केंद्रीय नेतृत्व के विश्वास के अनुसार हम 10 की 10 लोकसभा सीट जीत रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व की झोली में डालने का काम करेंगे और पुनः देश के अंदर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का गठन, विधानसभा के चुनाव भी साथ होने जा रहे हैं लोकसभा के, जिस तरह चर्चा आ रही है, ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व का है। परंतु जहाँ तक मेरे अपने अनुमान के अनुसार दोनों चुनाव अपने समय पर होंगे। पहले हम लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और विधानसभा आने वाले समय अक्टूबर में ही तय होगा। हरियाणा के अंदर मैं तो आज से नहीं बात कर रहा, पिछले 4 साल से कर रहा हूँ, विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष दिशाहीन है और विपक्ष के पास हरियाणा की जनता के लिए ना कोई नियत है, ना नीति है, ना कोई एजेंडा है, ना उनके पास कोई प्रोपेगेंडा है। वो तो अपने अपनी डफली अपना अपना राग लेकर चले हुए हैं। वो विधायक बनने की और सांसद बनने की दौड़ में नहीं है। जो भी कांग्रेस का नेता उठता है वो सीधा मुख्यमंत्री की दौड़ में है और उनका एक फार्मूला उन्होंने जो अपनाया है सिर्फ यही है कि मुख्यमंत्री का नाम लेके कम से कम विधानसभा जीत जाओ, विधायक तो बन जाओ। परंतु ना नोमन तेलों का ना ज़्यादा नाच जाएगी। हरियाणा की जो आज तक की राजनीति जितनी की मैंने उसको समझ आया, मैं ये बात कहने के लिए आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि 1952 से लेकर और आज तक और 1966 में हरियाणा बना तब से लेकर अब तक हरियाणा की जनता ने हमेशा केंद्रत्व का, केंद्रीय सरकार का हमेशा अनुसरण किया है और आने वाले समय के अंदर भी जो सरकार केंद्र में बनेगी वही सरकार हरियाणा में बनेगी। इसलिए दूर दूर तक केंद्र में कांग्रेस का और उसके गठबंधन का या उसके ठगबंधन का या उसके महागठबंधन का कहीं नाम लेवा कोई है नहीं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन जाता है और आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनाने में हम कामयाब होंगे और पूर्ण संपूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में हम कामयाब होंगे।